जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ व 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नए कलेक्टर सभागार पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को कर्तव्य एवं निष्ठा व हिंसा का प्रयोग न करने की शपथ दिलाई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि 76वें स्वतंत्रता दिवस की सभी जनपद वासियों को बधाई देता हूँ। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत अलग अलग विद्यालयों व कॉलेज में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जनपद में हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है, सभी लोग हंसी खुशी मनाएं व राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग करें। यह शपथ दिलाकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एजीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौर, सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, अधिकारी गांव कलेक्ट्रेट के उपस्थित हो चुके हैं, कर्मचारी उपस्थित हो चुके हैं। 40वीं में आयोजन यहाँ आयोजित है। संकल्प लेता हूँ ये राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा। मैं ये भी पुष्टि करता हूँ कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। वर्ग, भाषा और क्षेत्र से संबंधित भेदों और विवादों या अन्य राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शासन तथा संवैधानिक तरीके से करूंगा। से निवेदन है कि वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, संकेत मिलते हैं कार्यक्रम को कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित, सिविल डिफेंस के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मानित परिजनगण, सम्मानित नागरिक एवं पुलिस के कर्मी, आप सभी को इस राष्ट्र
ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन 1947 में हम आज़ाद हुए थे और आज के दिन हम उन शहीदों को याद करते हैं जिनके कारण बलिदान से हमें आज़ादी मिली। आज 75 साल में बहुत कुछ हम लोगों ने अचीव भी किया है, विकास हो, शिक्षा हो, कृषि के क्षेत्र हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन बहुत क्षेत्र में अभी भी और भी कार्य करने की आवश्यकता है। आज के दिन मैं सभी व्यक्ति से यही अनुरोध करूंगा कि अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम अगर सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक अगर करेगा तो राष्ट्र खुद बढ़ेगा। और जो सोच के साथ हमारे यहाँ हमारे शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया था, इस सोच के साथ उन्होंने ये कल्पना किया था, परिकल्पना की थी कि ऐसा राष्ट्र हो जो हर क्षेत्र में आगे हो, तो इसके लिए हर व्यक्ति को आगे आना होगा। साथ ही मैं यहाँ पे अपने भी जितने भी अधिकारी कर्मचारीगण हैं ये खुद पे भी लागू होता है, ये हम लोग हमेशा यही प्रयास करें कि जब हम हमारे पास लोग आते हैं शिकायतों के साथ, अलग अलग समस्याओं के साथ, तो एटलीस्ट या तो हम लोग उसको रिजॉल्व करें, और अगर हमसे रिजॉल्व होने लायक नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट उनको क्या उपाय हैं, किस तरह से उनका निदान होगा, किस फोरम में जाने से निदान होगा, एटलीस्ट उतना बताएं और लोगों से अच्छे से व्यवहार रखें। तो जो लोग अराउंड 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर ट्रैवल करके आते हैं उनमें कम से कम थोड़ी खुशी तो आएगी। दूसरा है एक दूसरे का हम लोग सम्मान करें, अधीनस्थ हो, सीनियर्स हो, अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, जितना आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ह्यूमन वैल्यूज को जगा के रखेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कभी रेडली कोशिश करना, मतलब हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि किसी को कटु वाणी ना बोला जाए, ये मतलब एक सोसाइटी में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। किसी को कुछ कटु बोलने से पहले से व्यक्ति इतना ही सोच ले कि अगर मैं उसके बदला रहता और मुझे ऐसा बोला जाता तो कैसा लगता, तो आप खुद ही अपने वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे। तो एक दूसरे का सम्मान करें, आज के डेट में हम यही संकल्प लें, और जो अपना कार्य है वो निष्ठापूर्वक करें तो राष्ट्र निर्माण स्वयं होगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं समस्त जनपद वासियों को ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त अलग अलग कार्यालय, स्कूल, अलग अलग प्रतिष्ठानों में कार्यक्रम हो रहा है, और इसके साथ साथ हर घर तिरंगा का भी अभियान चल रहा है। तो ये एक राष्ट्र पर्व है और सभी मिल के खुशी खुशी मनाएं इसको और राष्ट्र निर्माण अपना सहयोग करें। धन्यवाद।